इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 12, 13 और 14 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6 से विभाजित होने वाले धन पूर्णांकों को लिख लेते हैं। तो देखिए 6 से विभाजित होने वाले धन पूर्णांकों में सबसे पहला पूर्णांक हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6, फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद 18 और फिर 24 और इसी तरह से आगे भी। हमसे पूछा गया है कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर कितने पदों तक हो जाएगा, 40 पदों तक। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये हमने 40 पदों तक क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कहा गया कि 40 धन पूर्णांकों का योग, जैसे ये 6 हमारा एक पद हो गया, 12 दो पदों तक, 18 तीन पदों तक, इसी तरह से हमें 40 पदों तक ज्ञात करना है योग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं ए का मान जो कि 6 है, फिर इसके बाद डी का मान यानी कि सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद यानी कि 12 में से प्रथम पद यानी 6 को घटाएंगे, तो यह आ जाएगा 6। और यहां पर ये जो 40 है ये क्या हो जाएगा हमारा, n का मान। ठीक है, क्योंकि 40 पदों तक पूछा गया है तो 40 हमारा पद है, इसलिए n का मान 40 हो गया। अब हमें इसमें योग बताना है, तो जैसा कि हमें पता है कि योग निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये है। तो यहाँ पे अब हम इस सूत्र पे मान रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा s और n का मान कितना है 40, तो n की जगह पे 40 बराबर n का मान है 40 बटे 2 ब्रैकेट में ये 2 और a का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस n का मान हो जाएगा 40 माइनस 1 और d का मान 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए 2 कम 2 और ये 20 दुना 40 कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, ये 20 ब्रैकेट में 2 का 6 से गुणा होगा 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे 39 आएगा, और 39 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 234। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 20 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और 12 और 234 दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 246। अब 20 से 246 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4920, यानी कि हमारा 40 धन पूर्णांकों का योग कितना आ गया 4920, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 13 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज, तो ये हमारा हो जाएगा 8 के प्रथम 15 गुणज, जिसमें पहला गुणज कौन सा होगा 8, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 24 और फिर उसके बाद 32 और इसी तरह से आगे भी। हमसे पूछा गया है 15 गुणजों का योग, तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 15 पदों तक। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए का मान यानी कि प्रथम पद लिखेंगे जो कि 8 है, इसके अलावा डी यानी कि सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 8 करके, और ये 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर ये 15 हमारा क्या हो जाएगा एन का मान। ठीक है, अब हम इसमें पदों के योग वाले सूत्र पर रख देते हैं, यानी कि एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब यहाँ से देखिए ये s n का मान कितना है 15 बराबर n हमारा हो जाएगा 15 बटे 2 ब्रैकेट में ये 2 a का मान कितना है 8 प्लस n का मान कितना है 15 माइनस 1 और d कितना है 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 बटे 2 ब्रैकेट में 2 का 8 से गुणा होगा 16 प्लस 15 में से 1 माइनस होगा 14 और 14 का 8 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 15 बटे 2 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और 16 प्लस 112 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128। अब देखिए ये 2 एकम 2 और ये हमारा 2 छिक 12 और ये 2 चौक 8 64 बार में कट गया, तो 15 और 64 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारा 960। ठीक है, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 14 का हल करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। तो देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी उनको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो 0 और 50 के बीच पहला जो विषम संख्या है वो कौन सा होगा? 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7 और इसी तरह से आगे भी। और 50 के बीच की, 0 और 50 के बीच की अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी? 49, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 49 है ये हमारा क्या होगा? n का मान नहीं होगा, क्योंकि ये 49 जो है ये 50 तक का, यानी कि इस AP का हम अंतिम पद कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा पद होगा, तो इसलिए इसको nवां पद मान लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम पद यानी कि A का मान जो कि 1 हो जाएगा, और D का मान यानी कि सारव अंतर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये जो 49 है ये हमारा nवां पद होगा यानी कि an बराबर कितना होगा? 49, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें n का मान पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n का मान निकालेंगे, ठीक है। और n का मान निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए an का मान हमें दिया हुआ है 49 बराबर a का मान पता है 1 प्लस n हमें नहीं पता है, इसको एज इट इज लिखेंगे, और d हमें पता है 2। तो यहाँ से ये 49 ये प्लस का एक इधर जाएगा माइनस एक हो गया, और इधर क्या बचा? n माइनस 1 गुणा 2। तो यहाँ पर सबसे पहले n का 2 से गुणा होगा तो 2n हो गया, फिर ये माइनस 1 का 2 से गुणा होगा तो माइनस 2, ठीक है। अब देखिए 49 माइनस 1 कितना होगा? 48, और ये माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, इधर बचेगा 2n। तो 48 प्लस 2 कितने हो गए? 50, और 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया, इधर क्या बचा? n। तो 2 एक कम 2 25 दुना 50, तो ये आ गया हमारा 25 बराबर n, या फिर इसको हम n बराबर 25 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर n का मान ज्ञात कर लिया जो कि 25 आ गया। अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, या फिर जो हमने प्रश्न नंबर 12 और 13 में सूत्र उपयोग किया है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सूत्र आसान है और छोटा है इसलिए मैंने इसका यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा n क्या हो जाएगा? 25 बटे 2 ब्रैकेट में a कितना है? 1 प्लस, यहाँ पर देखिए L का मान हमारा क्या होगा? जैसा कि हमें पता है कि जो an का मान होता है वही L का भी मान हो जाता है, यानी कि L बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 49। तो इसलिए L की जगह पे 49 लिखेंगे, और ये यहाँ से हमारे पास 25 बटे 2 आ गया, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और 1 प्लस 49 कितने हो गए? 50। तो ये 2 एकम 2 ये 25 दुना 50 कट जाएगा। अब 25 और 25 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 625, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12, 13 और 14 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए, और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, धन्यवाद।